में गई वहां मैंने देखा कि हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए थी आज 53 साल के राज के बाद वो मूलभूत सुविधाएं हमको राजस्थान में कहीं नहीं मिली है। ये 53 साल का राज कांग्रेस का रहा है और इस 53 साल के अंदर जनता पूरी तरह से वंचित रही, बिजली से, पानी से, सड़क से, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से और पूरी तरह से आपकी शिक्षा से वंचित रही। जहां जहां मैं गई वहां मैंने देखा कि निःशुल्क दवा योजना के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है विज्ञापनों के ऊपर, परंतु जब मैं जन गांव के अंदर गई तो देखा कि महिला चिकित्सक नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, पीएचसी के ऊपर ताले लगे हुए थे, अस्पतालों में उपकरण नहीं थे और जांच और मुफ्त दवाई योजना के ऊपर सबसे बड़ा घोटाला इस राजस्थान के अंदर बनने को जा रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी ने, इस सरकार ने किसी भी तरीके से मदद नहीं की है जनता की।